साथियों, आज अपने दम के किसान किसी भी विभाग, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक, वो बापत टिकेट की दे रहे हैं। जो यार टोपी और यू बिल्ला जिसने ये अपने दिल में रख लिया, उसका एक लहजा तो बढ़ गया, लेकिन दिल में होना चाहिए, भाई बना होना चाहिए। या मैं आपसे कह रहा, उसका कोई काम कहीं भी किसी भी वक्त नहीं रुकने वाला है, और झुकेगा। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो सच्चा किसान यूनियन का सिपाही है, तो साथियों बापा टिकेट ने इस किसान को रास्ता सिखाया चलने का। अन्य इन बेईमानों के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के, दादन प्रदादन के खुंडे जहां भी गड़े हुए थे, हिम्मत नहीं थी, मजा नहीं था किसी किसान का अखबार ज्यादा पार रख दे। साथियों हमें खुद देखा, हम जब छोटे छोटे रहे थे तो एक बार यहाँ सरकारी छोटी छोटी सड़के, हिम्मत नहीं थी कोई वहां खड़ा हो जाए, अगर कोई खड़ा हो भी था तो पता लगा कोई गाड़ी आई रुक गई को बढ़ जाएगा। तो ये मैं साथ बिल्कुल बांधूंगा, और पापा महेंद्र सिंह ने ये किसान को जागरूक किया, किसान को जगाया, और किसान का इतना साहस बढ़ाया कि वो किसी भी दफ्तर में जाओ और अपना काम कराओ, किसी से दबने वाला नहीं है। वो बाबा टिकेट की देन है आज। तो बाबा टिकेट, बाबा टिकेट। तो साथियों रही बात गन्ने के भाव की, आज जमाना वो है कि गन्ने का भाव कोई देखता नहीं, ये तो छीनना पड़ गया। छीनने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ गया, लड़ना पड़ गया। अगर हमारी जान भी जागी तो हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। आज अगर हमारे राष्ट्र के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी हमें जो आदेश देते हैं, जिला सहारनपुर को घेरने का काम करो, तो हम तैयार, सुबह से ही तैयार, सहारनपुर में भी दिखाओगे कि क्या होता है संघर्ष। और जब तक हम इन बेईमानों के साथ नहीं लड़ेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन घर में बैठने का काम न करो, घर से निकलने का काम करो, भले ही कितना ही पारा हो, कितना ही डांटा हो, चुना हो, कहीं संघर्ष करना पड़ेगा तो इन बेईमानों से छीनना पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, वोट भी देती, नोट भी देती, लेकर घरों में घुस गए, घरों में बैठे, हमारे एमपी एमएलए मंत्री, अगर कहीं हम धरना घरों बैठे, आज यही की ले लो, अगर कोई मंत्री आवेगा तो प्रॉपर उन्हें निकल जाएगा। ये नहीं देख लेगा कि किसान जीवन ने आज ये हम यहाँ से भेजने का काम किया। इन बेईमानों ने जिनसे तुम्हें वोट दी, इन्होंने पकड़ कर बैठा लो और इनके कपड़े फाड़ दो, तो हम पीछे लेटेंगे, हम तैयार है, क्या मुकदमे जितने हो जाओ, हम हटने वाले नहीं है। इन बेईमानों से तो हम इतनी नफरत है, अब हमें वोट दे दी। जब हम वोट देने जा तो हम वोट देते समय हम अपनी जान पे जान तभी बल लेकर जा, क्या लगा लड़ बच्चे जो बटन तो नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, क्या पटे संघर्ष होते हैं जब वोट देने जाए तो पता भी नहीं था, घरों में बैठे हैं, लेकिन हम वाजी लड़ने जितने मरने पर तैयार है, हमें सबने भूल जाए। आज जो हमारे राष्ट्र के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी बैठे, यहाँ से धरना करो, वो काम इनका है जिनसे हमें वोट दी। साथियों इन्हें भी हेरने का काम करो। जय जवान, जय किसान।